गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास में कंप्यूटर की जो वर्कशीट आपको दी हुई है, कंप्यूटर की बुक निकाली आप सब। उसमें बुक निकालने के बाद आपने कंप्यूटर की बुक में 66 पेज नंबर निकाला है। यहाँ पे देखो, ये 66 पेज नंबर दिख रहा है ना, यहाँ से 66 पेज नंबर निकालो और आपकी वर्कशीट वन दी हुई है। आपकी वर्कशीट फर्स्ट, उसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, थ्री वर्कशीट दी हुई है कंप्यूटर की बुक में आपको। फोर चैप्टर, 1, 2, 3, फर्स्ट चैप्टर से लेके 3 चैप्टर तक, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों चैप्टर की वर्कशीट आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बुक वर्क फिल कराऊंगी और आपको बुक वर्क फिल करने हैं, ठीक है। और इनमें से ही मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपने होमवर्क भी यहीं से वर्कशीट में से करने हैं। ये आपका टेस्ट होगा, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही ये आपका टेस्ट होगा। आपको पहले लर्न करने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ए सेक्शन देखिए, यहाँ पे वर्कशीट वन का ए सेक्शन, यानी पहले से लेके ये थर्ड चैप्टर तक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ से ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन के हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर नीड्स डैश टू डू एनी वर्क, कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है काम करने के लिए। मैम ने आपसे कई बार पूछा हुआ है ना, बहुत बार आपको बताया भी हुआ है, आपके जो टेस्ट हुए थे ऑनलाइन उसमें भी पूछा गया था। तो क्या ज़रूरत होती है कंप्यूटर को काम करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस की, INSTRUCTIONS क्या बन गया ये, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जो हम कंप्यूटर को काम बताते हैं कि तुझे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं तब कंप्यूटर काम कर पाता है। उसके बाद सेकंड है एट होम, यानी घर पर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, ये भी मैम ने आपको क्वेश्चन में बताया था कि घर पर कंप्यूटर को किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग, वॉचिंग मूवी, या दोनों। तो घर पे आप क्या कर सकते हो, आपके पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आपके लिए कुछ मंगाते हैं, ड्रेसेस मंगाते हैं, बुक्स मंगाते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गई और मूवीज़ भी देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्यूटर में दोनों काम कर सकते हैं, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी ये दोनों, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, आपको ये सब बुक में ही फिल करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से देखकर नोटबुक में नोट कर सकते हो, और अगर बुक है तो आप बुक में से ही नोट करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड देखो, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन दी स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज़ होते हैं, कितने बटन होते हैं, ये पढ़ा है ना मैम ने आपको, 103, 104 या 114। तो कितनी कीज़ बताई थी मैम ने आपको, याद करो, 103 बताई थी या 104 या 114, 104 बताई थी 104 होती हैं कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड यानी जो ऐसा कीबोर्ड होता है ना, यहाँ पर देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड लगा होता है जिससे हम टाइप करते हैं, ये होता है कीबोर्ड। इसके ऊपर कितनी कीज़ हैं, 104 हैं ये, इनको काउंट करेंगे तो हम, तो ये कितनी मिलेंगे हमें, 104, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे ये हमारी 104, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, अभी हमने घर पर देखा था कि घर पर किस लिए यूज़ किया जाता है, अब हमें बताना है कि बैंक में किस लिए यूज़ किया जाता है, मनी विथड्रॉल, प्लेइंग या बुकिंग टिकट्स, क्या करते हैं हम बैंक में, पैसे का लेन देन करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मनी, MONEY मनी, WITH DRAWL, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैसों का लेन देन करते हैं, पैसे निकालते हैं और पैसे लेते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, इनमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है, स्कैनर, इंकजेट या लेज़र, इनमें से कौन सा नहीं है। इंकजेट प्रिंटर होता है ना, मैंने बताया था, लेज़र प्रिंटर भी होता है, और स्कैनर क्या होता है, वो स्कैन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, स्कैनर, ठीक है। उसके बाद अब सिक्स में देखिए, कंप्यूटर इज़ अ डैश मशीन, कंप्यूटर जो होती है कौन सी मशीन होती है, कंप्यूटर नेचुरल, मैनमेड या डम, कौन सी होती है, नेचुरल, नो, मैनमेड होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैनमेड मशीन, ठीक है। तो अभी आपका ए सेक्शन हो गया है। अब उसके बाद जो आपका ये बी सेक्शन है, ये जो आपका बी सेक्शन है, ये आपने करना है होमवर्क में खुद से, ठीक है। मैम आपको पढ़ा चुकी है ना,
तो जैसे आपका टेस्ट होता है उसी टाइप में आपका ये है। पहले आप इनको लर्न करोगे फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक, क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं, और उसके बाद जो ये बी सेक्शन है यहाँ पर इनको रीड करके आपको कंप्यूटर हैज़ नो सेंस ऑफ फीलिंग, तो यहाँ पे आपको रोंग और राइट लिखने हैं कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। अब उसके बाद यहाँ पर सी है, ये यहाँ पे आपको डी लिख दिया है, बट यहाँ पे ये सी है। ठीक है, बी और सी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने होमवर्क में करोगे। ये आज के आपके होमवर्क हैं, खुद से ही करने हैं जो आपको, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपने खुद ही करने हैं। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम, घर पर यूज़ करने वाले जो घर पर यूज़ किए जाते हैं वो हमें टू यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ पहला यूज़ आपको, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि अभी जैसे जो जो दो चीज़ें मैम ने आपको पढ़ाई हैं वही लिख देंगे हम, फोर FOR, फोर ONLINE, ऑनलाइन SHOPPING, फोर ऑनलाइन शॉपिंग, पहला हो गया ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, और सेकंड लिख देंगे हम फोर FOR, फोर WATCHING, फोर वॉचिंग MOVIES, फोर वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर ऑनलाइन शॉपिंग, फोर वॉचिंग मूवीज़। अब आपका देखो ये वाला आपका क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन, राइट एनी टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट होम, घर पर यूज़ होने वाले कंप्यूटर के दो यूज़ बताने हमें, घर पर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया अब आपका सेकेंड। उसके बाद अब थर्ड है आपका, नेम टू प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड, ऐसे दो जगह के नेम बताने हैं जहाँ पर कंप्यूटर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक लिख देंगे इन बैंकिंग, बैंकिंग में भी ज़रूर यूज़ किए जाते हैं, IN, इन, इनका मतलब में, BANKING, इन बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में भी ज़रूर यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स। और उसके बाद लिखेंगे हम सेकेंड, इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, HOSPITALS, हॉस्पिटल्स। ठीक है, दो जगह हो गई दो चीज़ें, एक बैंकिंग हो गई और एक आपकी हॉस्पिटल हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS, UPS की फुल फॉर्म मैम ने आपको बहुत बार बताई थी जब आपका ये क्वेश्चन चैप्टर कराया था, तो UPS की फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ी लॉन्ग है बट आपको हाफ ऑफ करके लर्न करनी है। ठीक है, U से क्या होता है, UNIN, पहले इतनी लर्न करेंगे हम, UN, ठीक है, UNIN TERR, पहले आप हाफ लर्न करोगे, UNIN TERR UPTIBLE, थोड़ी लॉन्ग है बट आप हाफ ऑफ करके इसको लर्न कर सकते हो, पर लर्न सबको करनी है ये। इसका मतलब यू से क्या बन गया, अनइंटरप्टेबल, क्या बन गया, अनइंटरप्टेबल। ठीक है, अनइंटरप्टेबल, और पी से क्या बनेगा, POWER, पावर, और एस से SUPPLY, क्या बन गया, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, पहला प्रिंटर हम लिखेंगे यहाँ पर लेज़र प्रिंटर। ठीक है, LASER, लेज़र, क्या बन गया, LASER, लेज़र, PRINTER, प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। उसके बाद हमारा सेकंड इंकजेट, INK, क्या बन गया, इंक, एंड JET, जेट, इंक जेट, PRINTER, इंक जेट प्रिंटर बन गया। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है DOT, डॉट, MAT, RIX, रिक्स, डॉट,
मैट्रिक्स PRINTER डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब ये आपके हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डी सेक्शन है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। अभी आपका होमवर्क है, वो आपको होमवर्क कम्प्लीटली होना चाहिए आपकी सबकी नोटबुक में, मैं चेक करूँगी। तो होमवर्क मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, होमवर्क में आपने करना है जो मैम ने आपको दिया है डू क्लास वर्क, ठीक है। जो अभी मैम ने आपको काम दिया है ना सारा, जितना भी मैंने आपको बोला है कि एक तो आपको बस टू चीज़ें खुद से करनी है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और ये बी सेक्शन, और उसके बाद जो बुक वर्क फिल कराया है बस वो बुक वर्क करना है, ठीक है।